इस कोरोना काल में अगर कोई आइसोलेशन में चला जाए तो उसके दिल की धड़कनें ये सोचकर ही तेज हो जाती हैं कि अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो पता नहीं बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, जान बचेगी भी या नहीं। लेकिन प्रदेश के सीएम तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन का पूरा आनंद ले रहे हैं। वाह गहलोत साहब, आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में मौत का तांडव चल रहा है और आप इस महामारी में भी आनंद ले रहे हैं। और मैं अभी आनंद ले रहा हूँ अपने रूम के अंदर, जब मैं देख रहा हूँ कि हर काम मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ अकेला, तो मुझे लगता है कि डिग्निटी लेवर इसे कहते हैं और इससे स्वाद अच्छा भी रहता है। मुझे कोई जमाने में जो एक्टर गोविंदा है उसने कहा था, एक बार देवानंद साहब को उससे पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, तो वो उनके घर बैठे हुए थे उस वक्त, वो कोई उठ के गए थे कोई चीज लेने के लिए आसपास में, तो उन्होंने कहा मेरे स्वास्थ्य का राज यही है। तूने देखा अभी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं खुद उठ के गया और वो चीज लेके मैं आया हूँ। ऐसा नहीं है कि गहलोत साहब को लोगों की पीड़ा देखकर दर्द नहीं होता, हैरान मत होइए। खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजस्थान में तो फिर भी हालात कंट्रोल में हैं। गहलोत जी को शायद पता ही नहीं कि राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर एक बहन अपने भाई के सामने ही तड़प कर मर गई। गहलोत जी को तो शायद ये भी नहीं पता कि कोटा में पोते को संक्रमण से बचाने के लिए दादा दादी पॉजिटिव आए तो रेल की पटरी पर जा कटे। सीएम साहब को अपने प्रदेश के लोगों के दर्द का एहसास नहीं, फिक्र नहीं, लेकिन पड़ोसी राज्यों की चिंता जरूर है जहां से इनका कोई सरोकार नहीं है। मृत्यु दर ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन रिकॉर्ड में इतनी हो गई है कि हम भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार। मैं 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब मिल गया सबसे, सब आप सबको मालूम होगा। अमित शाह से मैंने आज सुबह बात करी, परसों बात करी, कैबिनेट सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिश्रा, किसी छोड़ा नहीं मैंने, और भीख मांग रहे हम ऑक्सीजन की, दवाइयों की। ये स्थिति हमारी है, टैंकर की, टैंकर नहीं हमारे भाई है, टेक्निकल अलग तरह के टैंकर होते हैं। आज अमित शाह जी ने कहा मैं 5 टैंकर आपको अलॉट कर रहा हूँ। आप बताइए, गृह मंत्री देश का 5 टैंकर के लिए मुझे फोन कर रहा है, तो ये स्थिति देश में अभी आज बनी हुई है। गहलोत साहब दावे के साथ कहते हैं कि अगर कहीं कोरोना के चलते हालात बिगड़ रहे हैं और लोग मास्क नहीं लगा रहे, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, तो उन्हें अब सख्ती से समझाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए गहलोत सरकार ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया है। बड़ा लंबा नाम है, इसीलिए शायद गहलोत जी को ये नाम याद रखने में मुश्किल हो रही है। क्या मारामारी ऑक्सीजन की है, कैसे छीन आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी के हो, हम यहाँ आंकड़े छिपाते नहीं हैं। कई राज्य तो अपने आंकड़े छिपाते भी हैं, सब कुछ करते होंगे, पर हकीकत हमने फिर भी कंट्रोल काफी हद तक कर रखा है। पर हमारा भी मृत्यु दर, आज मैंने विज्ञापन दिया, बहुत कड़वा विज्ञापन दिया, जब आगे अगर मैं छपा हो दिल्ली में देखना, वरना मैं भेज दूंगा आपको, कि जिसमें हमने 2 टूक बात की पब्लिक से भी। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है वो, नाम दिया उसका हमने क्या दिया रहे? और नाम उसका दिया जन अनुशासन पखवाड़ा, तो था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रकार से, थोड़ा ज्यादा नाम भूल गया मैं। काफी लंबा भाषण देने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने घुमा फिराकर टोपी केंद्र सरकार पर ही ट्रांसफर कर दी। कहने लगे, लाख कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार सहयोग नहीं कर रही तो अकेले क्या क्या करें। खैर, जनता का क्या है, इलाज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो मौत तो अपने साथ ले ही जाएगी। आप तो क्वारंटीन पीरियड का आनंद लीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे ताकि फिर से जनता आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके खुद को धन्य महसूस कर सके। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।